दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सखी विशाखा के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर आखिर ये विशाखा थी कौन? दरअसल पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री जी राधा रानी की 8 सखियां थी। अष्ट सखियों के नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपा, कल्ता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। राधा रानी की इन 8 सखियों को ही अष्ट सखी कहा जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। तो आइए इस बार जानते हैं विशाखा के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार विशाखा का निवास स्थान आजनोक का था। आजनोक गांव नंदगांव से लगभग 5 मील अंगे कोण में स्थित है। कहते हैं कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण अपने प्रेमिका राधा के नेत्रों में अंजन लगाया था, इसलिए इसका नाम अंजनोक पड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण को विशाखा चुटकुले सुनाती थी और उन्हें चंदन का लेप लगाती थी। विशाखा राधा व कृष्ण के बीच दूती का कार्य करती थी। उनके पिता का नाम श्री पावन गोप और माता का नाम देवदानी गोप था। वृंदावन के निधिवन में विशाखा का नाम का एक कुंड है। कहते हैं कि रासलीला के दौरान जब श्री कृष्ण ने राधा की सखी विशाखा की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी से विशाखा का कुंड खोद दिया था, और कुछ मानते हैं कि श्री राधा ने अपने वेणु से कुंड प्रकाश पर उसके मीठे जल से प्रिय सखी विशाखा की ओर अन्य सखियों की प्यास बुझाई थी। कालांतर में प्रसिद्ध भक्ति संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ने इस विशाखा कुंड में श्री बांके बिहारी ठाकुर जी की प्रतिमा को प्राप्त किया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और ऐसी सनातन धर्म की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।